कौन बोल रहा? Better you go and ask for the advance. वाह जी वाह, बिजनेस करो तुम। रूस यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पोत निर्माण केंद्र का किया दौरा। रूसी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा के साथ पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक में लेंगे भाग। प्रदेश में बिजली दरों में 8 से 12 फीसदी तक की बढ़ोतरी, रेगुलेटरी सरचार्ज पूरी तरीके से खत्म। चंद्रयान 2 आज निचली कक्षा में ले जाने का दूसरा और अंतिम चरण सफलतापूर्वक किया पूरा। चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए हासिल की आवश्यक कक्षा। और एक जनपद एक उत्पाद योजना से उपलब्ध हो रहे हैं लोगों को रोजगार के नए अवसर। शाहजहांपुर में शबाना ने खुद के जीवन में बदलाव के साथ कई लोगों को दिया रोजगार। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। चर्चा की समाचारों में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री की रूस यात्रा की। रूस की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोत निर्माण केंद्र का दौरा किया। यह रूस का अत्याधुनिक पोत निर्माण केंद्र है और यह रूस का सबसे बड़ा पोत निर्माण केंद्र भी है। इसका निर्माण 2009 में शुरू हुआ था। सितंबर 2016 से यहां पोत निर्माण भी शुरू हो चुका है। जोएदा पोत निर्माण परिसर रूस के सुदूर पूर्वी प्रांत के लिए सामरिक महत्व और देश के घरेलू पोत निर्माण उद्योग के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के त्रिमोय प्रांत के बोल्शोई कॉमन शहर में स्थित जोएदा पोत निर्माण परिसर पहुंचे। दोनों नेताओं ने एक अत्याधुनिक नाव के जरिए इस परिसर में पहुंचे। इससे पहले रूस यात्रा के लिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज व्लादिवोस्तोक पहुंच गए हैं। रूस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का उप प्रधानमंत्री मोलग्लोब सुदूरपुर के मंत्री कोशलोब ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्रों और मुद्दों के लिहाज से बेहद अहम है। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। साथ ही पीएम पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और इस दौरान कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के व्लादिवोस्तोक में 20वें भारत रूस द्विपक्षीय सम्मेलन और 5वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करेंगे। सम्मेलन के जरिए दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी को नई ऊंचाई मिलेगी। साथ ही साथ भारत और रूस के साथ पूर्व में क्षेत्रीय सहयोग को नई मजबूती भी मिलेगी। The Prime Minister will deliver an address. There will also be an India-Russia business dialogue, and for this, a 50-member FICCI delegation is also going to be in Vladivostok. So among the potential sectors are coking coal, obviously oil and gas, diamonds, timber, tourism, and from our perspective, we are also looking at the possibility of farming and also of manpower export. We need to broaden the relationship with Russia beyond civil, nuclear and defense into other areas of the economy. A 5-year roadmap stating, laying out what possibilities we have in cooperating on in oil and gas, both in terms of exploration and exploitation and in terms of purchase in the 5-year time frame 2019 to 2024. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कारोबारी प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने पिछले महीने रूस के व्लादिवोस्तोक की यात्रा की थी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य निवेश अवसरों की तलाश करने के साथ साथ सुदूर पूर्व के प्रांतों के साथ घनिष्ठ साझेदारियां सुनिश्चित करना था। इसी कड़ी में अब रूस में प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के इतर व्यापार प्रतिनिधियों के बीच समझौता ज्ञापन और B2B समझौतों पर सहमति बनने की उम्मीद की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। बहुत सारे MOU अभी पाइपलाइन में
20 के ऊपर, मगर लीडर्स के सामने शायद 12 या 14 एमओयू एग्रीमेंट्स, चाहे डिफेंस पे हो, जॉइंट स्टेटमेंट पे हो, एनर्जी पे हो, इंटर रीजनल कोऑपरेशन पे हो, पारिस पे हो, ये सब एक्सचेंज हो। पांचवें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भारत की कई क्षेत्रों में भूमिका बेहद अहम होने वाली है। इनमें युवा शक्ति, लॉजिस्टिक्स एक डिजिटल मार्ग, यूरेशिया में ह्यूमन कैपिटल और रूस भारत के बीच व्यापार संवाद शामिल हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का आयोजन ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में होगा। ये रूस के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में शुमार है। Farsin Federal University plays a key role in the development of the whole Far East of Russia and the Asia Pacific in general, as it brings leaders of the neighboring countries and all over the world here for events like this, Eastern Economic Forum. इस अहम आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की जापान, मलेशिया और मंगोलिया के अपने समकक्षों से वार्ता होने की उम्मीद है। इस यात्रा से भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों में और मजबूती लाने का माहौल बनेगा और इसके साथ ही रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र की आर्थिक सफलता सुनिश्चित होने के साथ साथ सहयोगात्मक माहौल बनाने में भी बड़ी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्लादिवोस्तोक पहुंचने पर वहां के भारतीय समुदाय के लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने कहा कि उन्हें अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है। बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे वो आए तो हम लोगों को एक अच्छा कॉन्फिडेंस फीलिंग आ रही है। रशिया में रहते हुए भारत की एक अच्छी फीलिंग। फॉरेस्ट एरिया में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचे। भारतीय प्रधानमंत्री हमारा पीएम मोदी साहब जो यहाँ पे आए हैं, हम लोग को एक प्राउड एक महसूस कर रहे हैं। हम लोग गर्व की बात है हमारे लिए, क्योंकि आज इतना बड़ा हम लोग को आज मौका मिला यहाँ पे इनको मिलने के लिए। ये 100% सक्सेस मीटिंग रहेगी, क्योंकि इसके पहले अपना 5 स्टेट के सीएम आए थे, वो अच्छा डेलीगेशन, अच्छा प्रोग्राम रहा था। और उस टाइम क्या है, काफी काफी ग्राउंड फ्लोर में जो काम हुआ था वो हो गया है। अभी तो क्या है, पूरे रूप देना है, तो ये मोदी आने से एकदम बढ़िया हो जाएगा। The contribution that he has showed towards the relationship with both the countries is awesome. रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि रूस के सुदूर पूर्व की राजधानी व्लादिवोस्तोक पहुंच गया हूं। मैं इस संक्षिप्त परंतु अहम यात्रा में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा। पीएम के रूस दौरे में कारोबार पर भी खास फोकस रहेगा और भारत रूस के 19 अलग अलग क्षेत्रों में 47 व्यापारिक गतिविधियों को चिन्हित कर निवेश को तैयार है। प्रधानमंत्री शिक्षा के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप स्टार्ट चैलेंज फोर्टेक्स सॉल्यूशन का शुभारंभ करेंगे। इसके जरिए शिक्षा के क्षेत्र में समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराया जाएगा। भारत रूस में निवेश को लेकर प्रतिबद्ध है। वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा एक खास डेस्क निवेश को लेकर सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। इस डेस्क का नाम है इन्वेस्ट इन इंडिया। डेस्क को प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर बनाया गया है। उसमें भारत के बेहतरीन कुशल युवा शामिल हैं। ये युवा IIT और IIM जैसे बेहतरीन संस्था से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने गोल्डमैन, KPMG जैसी संस्थाओं में भी काम किया है। Our honorable Prime Minister had given a commitment to the Russian President Putin that India will show a lot of interest in this region in terms of investments, in terms of sourcing raw materials, and as after that we got a very huge delegation under the Commerce and Industry Minister, and 6 states had come here, 4 chief ministers had come, and then more than 140 Indian delegates had come, more than 5 MOUs were signed. So these are all exploratory nature, but I'm sure they will lead to a lot of investment. रूस में भारत 19 अलग अलग क्षेत्रों में कुल 47 व्यापारिक गतिविधियों को चिन्हित कर निवेश को तैयार है।
उनमें निजी क्षेत्र और युवा उद्यमी शामिल हैं। वे नई तकनीक के आधार पर भविष्य की संकल्पनाओं का विकास करेंगे। प्रधानमंत्री शिक्षा के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्ट चैलेंज फॉर टेक सॉल्यूशन का शुभारंभ करेंगे। इसके जरिए शिक्षा के क्षेत्र में समस्याओं का समाधान भी उपलब्ध कराया जाएगा। और आइए अब सीधे आपको ले चलते हैं रूस, जहां रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। साल 2001 में जब ऐसा समिट पहली बार रूस में हुआ था, तब मेरे मित्र पुतिन रूस के राष्ट्रपति थे और मैं अटल जी के साथ उस समय के हमारे प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भारत के डेलीगेशन में आया था। राष्ट्रपति पुतिन की और मेरी राजनीतिक सहयात्रा के दौरान दोनों देशों की दोस्ती और सहयोग का सफर तेजी से आगे बढ़ा है। इस दौरान हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप न सिर्फ हमारे देशों के स्ट्रेटेजिक हितों को काम आई है, बल्कि इसे हमने लोगों के विकास और उनके सीधे फायदे से जोड़ा है। राष्ट्रपति पुतिन और मैं इस रिलेशनशिप को विश्वास और भागीदारी के जरिए सहयोग की नई ऊंचाइयों तक ले गए हैं और इसकी उपलब्धियां मैं सिर्फ क्वांटिटेटिव ही नहीं क्वालिटेटिव बदलाव लाए हैं। पहला, हमने सहयोग को सरकारी दायरे से बाहर लाकर उसमें लोगों की और प्राइवेट इंडस्ट्री की असीम ऊर्जा को जोड़ा है। आज हमारे सामने दर्जनों बिजनेस एग्रीमेंट हुए हैं। रक्षा जैसे स्ट्रेटेजिक एरिया में भी रूसी उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स भारत में दोनों देशों के ज्वाइंट वेंचर्स द्वारा बनाने पर आज हुआ समझौता इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। यह समझौता और इस साल के शुरू में AK-203 का ज्वाइंट वेंचर ऐसे कदम है जो हमारे रक्षा सहयोग को बायर सेलर के सीमित परिवेश से बाहर को मैन्युफैक्चरिंग का ठोस आधार दे रहे हैं। भारत में रूस के सहयोग से बन रहे न्यूक्लियर प्लांट्स के बढ़ने लोकलाइजेशन के इस क्षेत्र में भी हमारे बीच सही मायनों में भागीदारी विकसित हो रही है। दूसरा, केंद्र सरकार बैंकिंग क्षेत्र को नई गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें IDBI बैंक में 9000 करोड़ रुपए के पुनः पूंजीकरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार और LIC मिलकर पैसा IDBI को मुहैया कराएगी। IDBI बैंक सरकारी बैंक थी और आपको पता है कि पिछले साल LIC ने 51% शेयर्स उसके लिए और गवर्नमेंट आज भी 49% शेयर्स उसमें रखती है। इसकी कैपिटल एडिक्वेसी बढ़ाने के लिए 9000 करोड़ रुपए देने की आज योजना बनाई है। LIC 4700 करोड़ देगी, 4557 करोड़ सरकार देगी। तो LIC और IDBI इकट्ठा आने से दोनों का फायदा हुआ है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार के इस फैसले से बैंकिंग क्षेत्र को काफी फायदा होगा। LIC सिनर्जी के कारण पहले वर्ष में 500 करोड़ अगले साल रेवेन्यू ज्यादा बढ़ेगा ये कल्पना है और फिर 1000 करोड़ बढ़ेगा। IDBI में इंश्योरेंस बिक्री का भी काम शुरू हुआ
तो इस साल 250 करोड़ प्रीमियम इकट्ठा किया, अगले साल 2000 करोड़ का प्रीमियम इकट्ठा करेंगे, जिससे 200 करोड़ उनको मिलेगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सरकारी तेल विपणन कंपनियों को पेट्रोल में मिश्रण के लिए बेचे जाने वाले एथेनॉल की दरों की समीक्षा के लिए एक सुनिश्चित व्यवस्था को मंजूरी दी है। सरप्लस फ्रूट ग्रेन और रॉटन फ्रूट ग्रेन, ये दोनों में से भी एथेनॉल जो बनाएंगे उसको भी प्रोक्योर किया जाएगा, उसको भी कंपनियों ने प्राथमिकता देकर खरीदेंगे। अगले साल की 19-20 के हमारी टारगेट 260 करोड़ लीटर होगा। ये सारे सेक्टर में से हम ब्लेंडिंग करने के लिए हमको उपलब्ध होगा, ये हमारी आवश्यकता की 7% ही होगा। हमारा लक्ष्य 10% है, हम 7% अगले साल उसको पूरा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय को जमीन स्थानांतरित किए जाने, सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक को पदावनत करने, विभिन्न विभागों के निगमों और परिषदों में नियुक्त गैर सरकारी गैर राजनीतिक उपाध्यक्षों को प्रतिमा बतौर भत्ता 10,000 रुपये देने जैसे फैसले शामिल हैं। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय चक दरिया फार्म के पास 50 एकड़ रकबे में बनेगा। इसके निर्माण के लिए भूमि स्थानांतरित किए जाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके लिए 20 एकड़ भूमि स्वास्थ्य विभाग, 15-15 एकड़ चिकित्सा शिक्षा विभाग और लखनऊ विकास प्राधिकरण उपलब्ध कराएगा। यह जमीन पहले सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान के लिए दी गई थी। राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि सूचना जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक सैयद अमजद हुसैन को डिमोट करने का निर्णय भी कैबिनेट में लिया गया है। सैयद अमजद हुसैन के खिलाफ 7 बिंदुओं पर जांच चल रही थी। ये जांच वित्तीय अनियमितता के संबंध में थी। लोक सेवा आयोग से कोई सहमति न मिलने पर कैबिनेट ने उनको पदावनत करने का निर्णय लिया है। अब उनको 7,600 रुपये ग्रेड की बजाय 5,400 ग्रेड पे पर भेज दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, उसको 50 एकड़ जमीन की आवश्यकता और उस 50 एकड़ जमीन के अंदर 20 एकड़ स्वास्थ्य विभाग के पास थी जो ट्रांसफर की गई है, 15 एकड़ ऐसे ही चिकित्सा शिक्षा के पास थी। ये सब जमीनें जो है ये चक गंजरिया जो परियोजना है वहां पे ये जमीन है, तो सुपर स्पेशलिटी के लिए थी, कैंसर के लिए वो उधर से ट्रांसफर करी गई है और 15 एकड़ जो है वो एलडीए की जो जमीन है वो उसको जो है सुपर स्पेशलिटी वालों ने ली थी 15 एकड़ कैंसर इंस्टीट्यूट के, वो एलडीए को सरेंडर करके वो इधर अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय को दे रहे 50 एकड़ जमीन इसी प्रकार से। प्रदेश सरकार ने शहरी, ग्रामीण और औद्योगिक बिजली के दरों में बढ़ोतरी की है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 8-12% की बढ़ोतरी की गई है। बिजली की दरें अधिकतम 60 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ाई गई हैं। आयोग ने बताया कि बिजली कंपनियों का व्यय और लागत बढ़ा है जबकि राजस्व कम हुआ है। वितरण कंपनियों ने राजस्व में अंतर 8,337 करोड़ रुपये का दिखाया था लेकिन आयोग ने इसे 3,593 करोड़ मानकर टैरिफ का आकलन किया है। शहरी और ग्रामीण लाइफलाइन घरेलू उपभोक्ता के लिए लागू टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं की गई है जिसमें 1 किलोवाट के कनेक्शन में 100 यूनिट प्रतिमाह खपत होती है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में लागू 4.28% रेगुलेटरी सरचार्ज को समाप्त कर दिया गया है। निजी नलकूप से संयोजन पर टैरिफ में मामूली वृद्धि करते हुए 150 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रतिमाह की दर को 170 रुपये प्रतिमाह हॉर्स पावर कर दिया गया है। अनमीटर्ड घरेलू उपभोक्ता के मीटरीकरण को तेजी से लागू करने के लिए अनमीटर्ड उपभोक्ता की दर 400 रुपये प्रतिमाह प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 500 किलोवाट कर दी गई है। और आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में हालात लगातार सुधर रहे हैं। घाटी के 90% से ज़्यादा हिस्सों में दिन में प्रतिबंध नहीं है। स्थिति में सुधार को देखते हुए 92 पुलिस थाना क्षेत्रों में प्रतिबंधों में ढील दी गई है। इधर दिल्ली में जम्मू कश्मीर के सरपंचों का एक प्रतिनिधिमंडल कल गृहमंत्री अमित शाह से मिला। इस मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल ने उनके सामने अपनी बातें रखी। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अमित शाह ने भरोसा दिया है कि जम्मू कश्मीर में पंचों और सरपंचों की पुलिस सुरक्षा के साथ ही 2-2 लाख रुपए का बीमा कवरेज मिलेगा। गृहमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि अगले
15 से 21 दिनों में कश्मीर में मोबाइल फोन सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। सरकार जहां हर दिन बेहतर होते हालात के साथ ही धीरे धीरे पाबंदियों को कम कर रही है, तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की दलीलें अब उनके मंत्री ही खारिज कर रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान के वकील अपने बयान से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को शर्मिंदा कर दिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान के वकील थावर कुरैशी ने यह मांग की है कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है और इस मामले का आईसीजे में टिकना मुश्किल है। चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने से आज निचली कक्षा में ले जाने का दूसरा और अंतिम चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। इसरो ने बताया कि चंद्रयान को निचली कक्षा में दूसरी बार ले जाने की प्रक्रिया लैंडर पर लगी प्रणोदक प्रणाली के जरिए आज सुबह 3:42 पर हुई और पूर्व निर्धारित योजना के तहत किया गया। यह प्रक्रिया कुल 9 सेकंड की रही। आज की प्रक्रिया से विक्रम लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए आवश्यक कक्षा हासिल कर लिया गया है। योजना के तहत विक्रम और उसके भीतर मौजूद रोवर प्रज्ञान के 7 सितंबर को देर रात 1:30 से 2:30 के बीच चंद्रमा की सतह पर उतरने की उम्मीद है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने कल वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज के वार्षिक समारोह में कहा कि जिस प्रकार से यहां पर केसरिया दिखाई दे रहा है, ठीक उसी प्रकार से इस केसरिया को विश्व में लहराने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में अनुशासन बहुत जरूरी है। आज के वर्तमान परिवेश में अनुशासन और शिक्षा से ही किसी भी उपलब्धि को हासिल किया जा सकता है। कार्यक्रम के पश्चात पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम करने के लिए कौशल विकास से जोड़ रहा है। आर्थिक मंदी के प्रश्न पर उनका कहना था कि सरकार इस दिशा में गहनता से कार्य कर रही है। विभाग का ये मुख्य दायित्व ही है कि लोगों को स्किल करना, ताकि वे विद्या अध्ययन के बाद विभिन्न क्षेत्रों में जिसमें जिसकी रुचि हो स्किलिंग प्राप्त करके रोजगार, साथ साथ रोजगार के अलावा भारत सरकार की जो योजनाएं हैं स्टैंड अप स्टार्टअप मुद्रा, उसके माध्यम से अपना छोटा से लेकर बड़ा उद्योग भी प्रारंभ कर सके। सारी कठिनाइयां दूर कर ली गई हैं और जीडीपी ग्रोथ कर रही है, इकोनॉमी बहुत मजबूत है। कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंचे उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विश्वविद्यालय में बनने वाले परीक्षा भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि कानपुर विश्वविद्यालय में अच्छे तरीके से अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जा सके, इसके लिए व्यवस्था की गई है। नकल विहीन परीक्षा हो सके, इसके लिए बड़ा हॉल बनेगा जिसमें 1500 लोग एक साथ बैठकर परीक्षा दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि मेधावियों को 1,00,000 रुपये और टैबलेट दे दिया गया है और मेधा शक्ति को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कार्य योजना संचालित की जा रही है। कानपुर विश्वविद्यालय दिन प्रतिदिन अच्छी तरीके से अध्ययन अध्यापन का काम कर सके, इसके लिए कुलपति जी ने तमाम व्यवस्थाएं की हैं। नकल विहीन परीक्षा हो, अगर किसी सेंटर की कोई शिकायत है तो एक बड़ा हॉल रहेगा जिसके अंदर 1500 लोग बैठ के एक साथ परीक्षा दे सकते होंगे। तो ये भविष्य के लिए कार्य योजनाओं को लेकर चला जा रहा है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हमारा उत्तर प्रदेश का कोई ना कोई विश्वविद्यालय ऐसा होगा जो देश की अच्छे विश्वविद्यालयों की सूची में अपना स्थान बनाएगा। लखनऊ मंडल के जो विद्यार्थी होंगे HCL में 75% से ऊपर नंबर जो पाएंगे मेधावी छात्र साइंस के प्रयागराज बोर्ड के, और जो 80% से ऊपर पाएंगे दिल्ली बोर्ड के, तो वो सीधे उनको 15 महीने तक 10,000 रुपये मिलेगा। 15 महीने के बाद उनको 2,20,000 रुपये का पैकेज मिलेगा। उनको MSc MTech या कंप्यूटर साइंस, इनमें बिट्स प्लानिंग का कोर्स शेड्यूल तय किया गया, उसके अंतर्गत इनको एडमिशन मिलेगा और ये बच्चे की आधी फीस इनको देनी पड़ेगी। तो ये सारी कार्य योजनाओं को हमने जो नहीं कहा था वो भी कर रहे हैं। सर, कानपुर बेरोजगार ना रहे, डिग्री धारक बेरोजगार ना रहे नौजवान, इसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने कन्नौज जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में जल संचय विशाल कृषि मेला में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी हम जहां रह रहे हैं वहां पानी की समस्या नहीं है, खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल जाता है। आज अगर हम पानी को नहीं बचाएंगे तो आने वाली हमारी पीढ़ी कहां से खेती करेंगी। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि सभी किसान कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जल संचयन की बताई गई विधि के अनुसार अपने खेतों में पानी का संचयन करें।
जल संचयन कृषि मेले में वर्षा जल बचाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा खेतों में तरह तरह के मेड़ बनाकर किसानों को विधि बताई गई। जल शक्ति अभियान के तहत ये केंद्र सरकार के निर्देश पर जारी कार्यक्रम है। ये लोगों को जागरूकता लाने के लिए, किसानों को जागरूकता लाने के लिए कि वो अपने खेती में वर्षा के जल का संचयन करें, इसी को लेकर यह कार्यक्रम। किसानों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपने भविष्य के लिए, हमारे कल के लिए, हमारे बच्चों के आने वाले समय के लिए जल बड़ा महत्वपूर्ण है, और इस जल को स्टोरेज करना या जल हमारे आने वाले भविष्य के लिए सुरक्षित रहे, ये हम सबकी नैतिकता है। ये पानी के बारे में जानकारी दी गई है यहाँ पर कि जल को बचाएं, जल संरक्षण के बारे में बताया गया है। इससे बहुत किसानों को लाभ होगा और जितने जनता है उसको सबको लाभ होगा। चित्रकूट के मानिकपुर तहसील के गढ़चपा गाँव के किसान विजय सिंह बघेल ने बुंदेलखंड में वर्षों से सूखा एवं अन्ना पशु जैसी समस्याओं का समाधान ढूंढ निकाला है। उन्होंने पानी की समस्या व अन्ना मवेशियों जैसी सभी कठिनाइयों को मात देते हुए पाठा जैसी जमीन में समृद्धि की औषधि खोज निकाली है। उन्होंने सोनामुखी, अश्वगंधा, एलोवेरा जैसी औषधीय फसलों के साथ ही लेमन ग्रास, तुलसी और सहजन की खेती शुरू कर सालाना 4 से 5 लाख रुपये की वो आय कर रहे हैं। साथ ही भारत सरकार के साथ जुड़कर फॉर्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तहत कंपनी बनाकर किसानों को जोड़कर उनकी भी आय बढ़ाकर किसानों को नई राह दिखाने का काम कर रहे हैं। उनके इस प्रयास के लिए उन्हें जिला स्तर से के साथ ही प्रदेश व देश स्तर पर कई बार सम्मानित किया गया है। अन्ना प्रथा पूरे बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा समस्या है बरसात के अलावा, तो इसीलिए हमने देखा कि यहाँ पे छुट्टा जानवर जाता रहता है, तो हमारे पूर्वजों ने परंपरागत धान गेहूं की बहुत खेती की। उससे हटके हमने पढ़ाई के बाद जब हम आए लामण्यकिया विश्वविद्यालय लखनऊ से, तो अमरूद का बाग मैंने लगाया। फिर जो है कुलबुलाहट होती रही मन में, तो उसके बाद औषधि खेती का प्रयोग किया मैंने, तो अपने खेतों में 1 एकड़ में मैंने अश्वगंधा लगाई, 2 एकड़ में सोनामुखी। तो ये देखा कि कोई जानवर इसमें घुसता तो है लेकिन मुंह नहीं मारता, कोई खाता नहीं। मैंने रोड के किनारे के खेतों में बोया था, तो जो है उसी से हौसला मेरा बढ़ा कि इसको करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैंने रकबा बढ़ाया, फिर एक कंपनी बनाई शोभन सरकार बायोनर्जी फार्मा प्रोड्यूसर लिमिटेड। इस खोज में नई खोज थी चूंकि अन्ना प्रथा जो में प्रभावी रोकथाम थी, इसलिए केवी के गनियों वालों ने मुझे जो है वहां पहुंचाया, पूता इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, तो किसान अन्वेषक के रूप में, तो वहां से मुझे सम्मान मिला। फायदा हर फसल से ज्यादा इसमें दिखाई देता है, क्योंकि ये जो ज्वार बाजरा की फसलें हैं इसमें जानवर लगते हैं, रात में देखो दिन में देखो परेशानियां ज्यादा हैं और इसमें परेशानियां नहीं हैं। ये सिर्फ जानवरों की कचर से बचाओ इसको, और ना इसको खाते हैं, और इनकम भी इससे ज्यादा है ज्वार बाजरे से इसमें, तो ये फसल अच्छी है हम इस वर्ष किए हैं। अब देखिए अपने उत्तर प्रदेश में नाबार्ड और उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, इन दोनों के सहयोग से हमारी इस FPO का गठन हुआ है। इसमें हमें केंद्र सरकार की इस योजना के तहत और हमारी जो भी नोडल एजेंसी बनी उत्तर प्रदेश राज्य ऊर्जा विकास बोर्ड, 27 जिलों का चयन हुआ जिसमें हमारा चित्रकूट जिला भी शामिल है। FPO क्योंकि ये फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तहत, मतलब इसको हम कह सकते हैं ये कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई है। जैसे सारी बड़ी कंपनियां काम करते हैं वैसे ये भी कंपनी काम करेगी। केंद्र सरकार ने, चूंकि ये किसानों की कंपनी है, तो केंद्र सरकार ने इस चीज़ को समझते हुए ये हमें लाभ दिया है कि 3 साल तक हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ हम साथ में किसानों को अपने साथ सदस्य बनाते हुए उन्हें भी जो भी कंपनी का शेयर होगा, वो जो भी वो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उस हिसाब से उनको कंपनी का शेयर भी अलॉट किए जाएंगे। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर।